जय माता दी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर 9 जुलाई पर आप मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपार धन संपत्ति प्राप्त भी कर सकते हैं। कई सारी ऐसी सुख सुविधाएं और भौतिक वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हैं मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करके। कैसे प्राप्त करेंगे बताएंगे दोस्तों विस्तार से इस वीडियो में हम। कृपया जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जानकारी पसंद आ जाए तो आपके अपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और यह दिन माँ लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय होता है। और खास बात तो यह है कि यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, जो कि 9 जुलाई रविवार के दिन है। और इस दिन गुरु को प्रसन्न कर लिया जाए तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो गुरु ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कई तरीके से इनका सभी का एक ऐसा संबंध है। एक देवीय शक्ति की पूजा करने पर कई सारी देवीय शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु किए गए साप्तिक उपायों से माँ की कृपा तो मिलती ही है, साथ में गुरु की भी कृपा बन जाती है। तो क्या करना है उपाय? उपाय है दोस्तों, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा हो या फिर गुरु पूर्णिमा हो, इस पूर्णिमा पर आपको पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्ध अवश्य ही दें। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और आपके बीच में कभी भी अनबन नहीं होगी, कोई भी कलह नहीं होगी। एवं जिस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने के बाद चंद्रदेव को नमस्कार करें और ये सब क्रिया कब करना है? चंद्रोदय के समय। यदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद ये क्रिया करें तो बहुत लाभदायक रहेगी। ये उपाय आपका सफल होगा और चंद्रदेव को प्रसन्न करके उनको नमस्कार करके बस फिर इतना सा उपाय करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। और यदि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें, अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो इस उपाय से भी घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। और इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर पुनः हल्दी से तिलक करें, फिर अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें तो आप पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, साथ में गुरु ग्रह की भी कृपा बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम एक उपाय से कई सारे फायदे ले सकते हैं, गुरु को भी प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी को। तो दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा पर 9 जुलाई के इन उपायों को करें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें और धर्म का लाभ उठाएं। यदि जानकारी आपको पसंद आ गई हो वीडियो में दी गई तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ आपके अपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे बताई जाने वाले इसी तरह की और टोटके उपाय आसानी के साथ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय माता दी।